हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितना भी स्टैटिक जीके बन सकेगा उसके बारे में। दोस्तों, जिसमें हम बांध, नदियाँ, डांस, लोक नृत्य, जितने भी त्यौहार हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिर्फ एक छोटे वीडियो में हम इन दोनों स्टेट्स की पूरी कहानी खत्म कर देंगे। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, स्टैटिक जीके आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं भी हो हर एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, और इससे शॉर्ट वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं, जिसमें ओवरऑल सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो गौर से देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों, लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। भारत की मैप में आपने लोकेशन देख ली है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के फैक्ट्स की। सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ, यानी स्टेट के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय भाषा की, तो उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी राजकीय भाषा है। वहीं उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। बात करें सीमाओं की कि कश्मीर की सीमाएं किस किस से लगती हैं, तो उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगती हैं, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती हैं। वहीं बात करें पश्चिम की, तो पाकिस्तान से पश्चिमी सीमा जम्मू कश्मीर की लगती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, तो सिर्फ अब पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर। तो ये भी एक फैक्ट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सीमाओं वाला क्वेश्चन जब तक हम मैप नहीं देखते तब तक हमें याद नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, इनकी लोकेशंस, दोनों की लोकेशंस के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, आगे बहुत कुछ है आपके फैक्ट जानने के लिए। बात करें जम्मू कश्मीर में जिले कितने हैं, तो 22 जिले हैं। विधानसभा की 114 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हें जैसे ही अभी हाल ही में जो जनगणना यहाँ पर की गई है, उसके बाद जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उनकी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है, वहीं प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये कुछ फैक्ट हुए यहाँ के विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के बारे में। बात करते हैं दर्रा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बुर्ज दर्रा है जो श्रीनगर और पीओके को जोड़ता है, काराकोरम दर्रा है जो लद्दाख और चीन को जोड़ता है, जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर और लद्दाख कारगिल को जोड़ता है। बात करें बनिहाल दर्रा है जो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। अगर बात करें पहाड़ों की, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये क्रम से पहाड़ है। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर साइड अगर आप मैप देखेंगे तो मैप पे सबसे ऊपर काराकोरम पहाड़ मिलेगा, फिर लद्दाख पहाड़ मिलेगा, फिर जास्कर पहाड़ मिलेगा और सबसे आखिर में पीर पंजाल पहाड़ मिलेगा। बात करें आपको कि सियाचिन में जो ऑपरेशन चलाया गया उनके बारे में, तो सियाचिन में मेघदूत और राजीव ऑपरेशन चलाए गए थे, और कारगिल में तीनों सेना, जब कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम पर भारतीय की तीनों सेनाओं द्वारा कोई ना कोई ऑपरेशन चलाए गए थे। तो वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था, थल सेना के द्वारा विजय चलाया गया था, और नौसेना के द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल की, तो सेब और केसर यहाँ का प्रमुख फसलें हैं। राजकीय पक्षी हांगुल है, राजकीय फूल कमल है। बात करें त्योहार की, तो सिंधु दर्शन, खीर भवानी आदि उत्सव महोत्सव ये प्रमुख त्योहार हैं। और बात करें लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य में राउफ, हीकत, मंदजात, दमाली ये लोक नृत्य हैं। दोस्तों, अब ये आप सोचेंगे कैसे याद होंगे, आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, इसमें आपको याद हो जाएंगी पूरे एक एक करके, एक एक स्लाइड आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा है नहीं, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट का वीडियो है, जिसमें आप एक बार भी अगर इस पर डे इसको देखते हैं तो 10-12 दिन में आपको पूरी जितने भी फैक्ट हैं पूरे रट जाएंगे, पूरे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है नदियों की बात करें, तो सिंधु, चेनाब, झेलम प्रमुख नदियां हैं। वहीं डल, पुलर, मानस, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, मानसवल ये प्रमुख झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बात करें बांध की,
तो बगलिहार चिनाब नदी पर बनाया गया ये बांध है। सलाल डैम है जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी पर है। उरी बांध भी है जो झेलम नदी पर है। और दुलहस्ती बांध है जो चिनाब नदी पर है। तो ये कुछ बांध हुए जम्मू कश्मीर के, आपको याद रखना है। ये भी यहाँ पर पूछा जाता है कि बगलिहार डैम कौन से नदी पर है या उरी डैम कौन सी नदी पर है। अब कुछ फैक्ट के बारे में डायरेक्ट चर्चा कर लेते हैं। तो श्रीनगर को हाल ही में यूनेस्को विरासत शहर में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा में 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर विधानसभा भी होगी, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। पहले यह 6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन जब से यह यूटी बन गया है, अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, यानी नया मैप जारी किया है। नए मानचित्र में पीओके अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके जो है कश्मीर को लद्दाख में, तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। यानी अभी आप, मैं आगे लद्दाख का मैप दिखाऊंगा, वहां पे ये चीज क्लियर करूंगा कि कैसा मैप आया है नया। बात करें श्रीनगर की स्थापना की, तो अशोक मौर्य के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग में स्थित है। पीओके गिलगित में सैन्य हवाई अड्डा है यूएसए का, जो पीओके है वहां पर, जो गिलगित एक जगह है उसमें यूएसए ने अपना सैन्य हवाई अड्डा बनाया है। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उधमपुर में थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। चीन का तिब्बत पर कब्जा 1969 में किया गया था, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। नुब्रा और श्याप नदियां सियाचिन से निकलती हैं। और दरबार मूव परंपरा 2021 में बंद की गई, जो जम्मू कश्मीर में की जाती है। ये दरबार मूव परंपरा ये थी कि दोस्तों, जब राजधानी बदली जाती थी हर 6 महीने में, ठंडों में और गर्मियों में, तब इस डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब यहाँ पर सारा काम कंप्यूटराइज्ड किया गया है, तो अब ये परंपरा बंद कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं लद्दाख की, तो सबसे पहले देखते हैं नया मैप। ये दोस्तों नया मैप है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर का है, और ये जो नीले में एरिया दिख रहा है स्काई ब्लू टाइप से, ये है दोस्तों लद्दाख के एरिया। यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो एरिया दिख रहा है ये है लद्दाख का एरिया। अब लद्दाख देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान और यहाँ पर चीन है। तो लद्दाख की सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लग गई। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब हम क्या करते हैं, मैप हमें याद नहीं रहता, तो हम ऐसे तुक्के कहीं भी नहीं लगा सकते, इसलिए मैप भी जरूरी है। तो दोस्तों एक बार और क्लियर करके मैं आपको बता दूं पूरा कि कहाँ पर लद्दाख, ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ से पाकिस्तान लद्दाख से सीमा साझा करता है, यहाँ से अफगानिस्तान लद्दाख से सीमा साझा करता है, और इस साइड से चीन लद्दाख से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये जो सीमा है इस तरफ, तो ये सीमा जम्मू कश्मीर से अटैच है पाकिस्तान की। ये जो जम्मू कश्मीर की सीमा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अब इतना बड़ा एरिया ये हो गया लद्दाख का, तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत का। तो ये भी कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ के प्रथम राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन है। बात करें लद्दाख के त्योहार की, तो सिंधु दर्शन और लोसार यहाँ का त्योहार है। लोकसभा की एक सीट है और जिले 2 है लद्दाख में। वहीं बात करें यहाँ की जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो बाल्टी, बेड़ा, बोट, बोटो, गर्रा, ये प्रमुख जनजातियां हैं। दोस्तों अब आपको पता होगा ये दोनों पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसे कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, यानी दोनों में कुछ जनजातियां ऐसी होगी जो लद्दाख में और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पाई जाएंगी। तो अगर आपसी एक भी जगह की अगर जनजातियां याद हो जाती हैं, तो ये मान सकते हैं आपकी दोनों जगह की जनजातियां याद हो गई हैं। कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो आप दोनों जगह की याद करके लगा सकते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो दोनों जगह से कहीं भी एक जगह लगा सकते हैं।
वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोग सोचते हैं अंडमान निकोबार सबसे बड़ा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अब लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल का नाम नेस्टेड यूनिवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।